हमारे देश में 5 रुपए का सिक्का थोड़ा मोटा और सिल्वर कलर का होता था, लेकिन कुछ सालों से ये सिक्के मार्केट से कम होते जा रहे हैं और अब थोड़े पतले और गोल्डन कलर के सिक्के मार्केट में ज्यादा यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जब 5 रुपए के पुराने सिक्के मार्केट में चल ही रहे थे तो गवर्नमेंट को 5 रुपए के नए सिक्के बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सबको समझेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पुराने 5 रुपए के सिक्के अलॉय मेटल किप्रो निकल से बनते थे, जो कि कॉपर और निकल्स का मिक्सचर होता है। हम जो दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड यूज करते हैं वह भी इसी मेटल का बना होता है। कुछ लोगों ने इस चीज को नोटिस किया और उनके दिमाग की बत्ती जल गई। देखिए, एक 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जा सकते हैं और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती है, यानी एक 5 रुपए के सिक्के को मेल्ट करके उसे ब्लेड बनाकर 12 रुपए में बेचे जा सकते हैं। ऐसे में 5 रुपए के सिक्के को स्मगल करके बांग्लादेश ले जाया जाता और वहाँ इसे ब्लेड बनाए जाते हैं, जिससे मार्केट में 5 रुपए के सिक्के की शॉर्टेज होने लगी। जब RBI को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उस सिक्कों का मेटल और थिकनेस बदल दी। वैसे आपका पसंदीदा कॉइन कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं।